तो मैं काम कर रही थी एज एन आर्किटेक्ट इन ज्यूरिख इन स्विट्जरलैंड। आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, पिछले टू अटेम्प्ट्स के बारे में बताइए कि क्या रिजल्ट रहा और कैसे रहा। तीनों अटेम्प्ट आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे क्वालिफाई हो गए, एंड आई थिंक उसके लिए कुछ इंटीग्रल चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी। ऑप्शनल मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड तीनों बार मैंने इसकी गाइडेंस शुभ्रा रंजन मैम से ली है। आई थिंक अराउंड 8 घंटे तो हो ही जाता था, 8 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे इस पेपर में, इतना सारा सिलेबस है। करंट अफेयर्स का क्या सोर्स फॉलो किया आपने? करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ अंबिका रैना मैम, जिनका 164 रैंक के साथ UPSC में सिलेक्शन हुआ है। ये मैम का थर्ड अटैम्प्ट था, तो आज हम मैम की स्ट्रेटजी, जर्नी, बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करी, सो आज हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। आई एम एन आर्किटेक्ट, एंड वही है मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, कुछ ह्यूमैनिटीज़ में बैकग्राउंड नहीं रहा है। ओके, तो डिज़ाइनर हूँ मैं, एंड दैट्स इट। ओके, अब मैम डिज़ाइनर में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, और पर्सनली अपकमिंग जो वर्ल्ड है उसमें आर्किटेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप सिविल सर्विसेज में आ गए हो, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज में आना? तो मैं काम कर रही थी एज एन आर्किटेक्ट इन ज्यूरिख इन स्विट्जरलैंड, एंड तब मैंने देखा कि एक छोटे से तरीके से, इन अ वेरी स्मॉल वे, आउटसाइड ऑफ माय कंट्री आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री। सो मैं एक बहुत ही छोटी सी विंडो थी टू द वास्ट फिनोमेना दैट इज़ इंडिया फॉर एवरीवन एल्स हु वाज आउटसाइड, एंड ये चीज़ मुझे लगा कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है और मुझे वापस आना चाहिए, एंड आई शुड सर्व माई कंट्री, एंड दैट्स व्हाई आई केम बैक एंड आई डिड दिस। राइट, थोड़ा सा मैम आर्किटेक्ट आपने जो डिज़ाइनिंग वगैरह करी है, तो स्पेशली किस टाइप के, जैसे कुछ लोग होते हैं कह सकते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के करते हैं, कुछ लोग अदर टाइप की चीज़ें करते हैं? इन स्विट्ज़रलैंड आई वॉज वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल आर्किटेक्चर कंपनी, तो हम बायोलैब्स बनाते थे, जैसे कि कोविड में तो बहुत फेमस हो गया है कि बायोलैब का कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, तो दैट वॉज माई फील्ड। ओके, सो मैम वो जो फील्ड में आपका जो एक्सपोजर रहा होगा, तो वो इस फील्ड में आपको हेल्प किया UPSC में आपको अच्छी रैंक लाने में या फिर UPSC में सक्सेस पाने? डेफिनेटली, क्योंकि आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन फील्ड है, एंड डिज़ाइन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड डिज़ाइन थिंकिंग, जो कि एक इटरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें आप बार बार अपने आइडिया को क्वेश्चन करते हैं, नया इनोवेटिव तरीका लाते हैं उसको अप्रोच करने का, प्रोटोटाइप करते हैं, फीडबैक समझते हैं, रिसोर्स क्रंच होता है, टाइम क्रंच होता है डिज़ाइन में, तो इन सारी चीज़ों से डील करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS स्कोर, एन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। गुड करियर इज अ प्रोसेस, एंड मेंटरिंग एट GS स्कोर इज ड्रिवन बाय प्राइमरी 2 ऑब्जेक्टिव्स। One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर हजार से भी ज्यादा निशान। GS Score. आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, पिछले टू अटेम्प्ट्स के बारे में बताइए कि क्या रिजल्ट रहा और कैसे रहा? तो पहले 2 अटेम्प्ट में भी मैं प्री क्लियर कर पाई थी, बट इंटरव्यू स्टेज तक मैं नहीं पहुंच पाई, और दोनों टाइम मेरा स्कोर अराउंड 680 के आसपास अटक गया था। तो आई थिंक इस अटेम्प्ट में मुझे ये देखना पड़ा कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कैसे मैं अपना स्कोर 680 से बढ़ा के इतना ला पाऊँ कि मैं लिस्ट में आऊँ। right. और 112 मार्क का मेरा जंप रहा है इस बार, क्योंकि मैं सीखने को तैयार थी कि कहाँ मेरी गलती हो रही है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। राइट, सो प्रीलिम्स की अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी आपसे जानना चाहूँ, या फिर स्टूडेंट्स को आप प्रीलिम्स के बारे में क्या बताओगे कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके तीनों अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई किया? हाँ, तीनों अटेम्प्ट आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे क्वालिफाई हो गए, एंड आई थिंक उसके लिए कुछ इंटीग्रल चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी। एक तो था जो सब कहते हैं कि लिमिट योर सोर्सेज, एंड ज़्यादा
कंटेंट डेवलपमेंट के लिए ना जाएं, बेसिक बुक्स पढ़ें जो सब रेकमेंड करते हैं, एंड उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करी है वो बहुत सारे मॉक्स दिए और सिर्फ देने के लिए नहीं पर उनसे हर बार सीखा कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, क्या चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। और अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर क्वेश्चन देख रहे हैं और आप देखें कि वो गलत हुआ है तो आप समझें कि आपने कैसे सोचा था और कहाँ आपकी सोच में गड़बड़ हुई थी कि अगली बार सेम मिस्टेक आपकी ना हो। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आई थिंक टू क्लियर प्रिलिम्स। मैम कितने एवरेज क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते थे प्रिलिम्स में? एवरेज क्वेश्चंस आई थिंक अराउंड 85 टू 90 के बीच में। आई थिंक पहली बार मैंने शायद 91 या 92 अटेम्प्ट किए थे, बट बाकी दोनों बार 87, 88 ऐसे। ओके, सो एक टारगेट था कि 85 प्लस करने हो, 90 भी लो। नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं था। ऑनेस्टली मैं काउंट भी नहीं कर रही थी कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं कितने नहीं किए हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। हर बार एग्ज़ाम का नेचर समझना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे इस बार मैंने प्रीलिम्स का पेपर देखा, काफ़ी टफ आया था, एलिमिनेशन बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस ही बदल दिए। तो ऐसे में अपने आप को प्रेशर करना और एक आर्बिट्ररी कंस्ट्रेंट न लगाना कि मुझे इतने तो अटेम्प्ट करने ही हैं कि उस चक्कर में आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आप जितना सही से कर पा रहे हैं, जितना आपको कॉन्फिडेंस है, जितना आप सीखें अपने प्रीलिम्स से कि किस तरह से मुझे अप्रोच करना है, वो आप अप्लाई करें और जितने होते हैं करें। अब मैम प्रीलिम्स में जो फैक्ट वेट डाटा काफ़ी मतलब स्टूडेंट सोचते हैं कि फैक्चुअल ये क्वेश्चंस वगैरह, तो उनका नोट्स वगैरह आपने बनाया हुआ, तो प्रीलिम्स के टाइम पे नोट्स वगैरह किस तरीके से हेल्प आए? मैंने एक रजिस्टर बनाया था विच वाज मिशन प्रीलिम्स करके। okay. और तीनों बार मैंने उसको बहुत ज़्यादा रेफर किया, उससे डायरेक्टली बहुत सवाल आए हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो जो चीज़ें हम भूलते रहते हैं जिसको रिवाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, उनके बारे में डेटा हो गया कि कौन सा एनिमल है, कौन सा रिवर है, ये सब इकोनॉमिक डेटा हो गया कि कौन सी चीज़ कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रही है, कौन सी चीज़ में वेरिएशन आ रहा है, या कमिटीज़ हो गई, कमिटीज़ के रिपोर्ट्स हो गए। हिस्ट्री में बहुत सारी कमिटीज़ आती हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी थी, वैसे टाइप की चीज़ें, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के काफ़ी सारे मैप्स प्रैक्टिस मैंने बहुत किया था, जिससे कि पता चलता है कि प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है। जैसे इस बार भी यूक्रेन के बारे में काफ़ी सारे सवाल आए, एंड ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने एक कंपेंडियम टाइप्स बनाया था जो मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लेती थी उसको, बिकॉज ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं अगर आप उसको बार बार रिवाइज ना करें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। ओके, और मैम मेंस के बारे में बताइए कि मेंस की क्या स्ट्रेटजी होगी? तो मेंस मैंने तीन बार दिया, पहली दो बार मेरे 680 के अराउंड आए, इस बार 792 आए हैं। तो ये जंप ऐसा है कि मैंने अपनी अप्रोच में डिफरेंस देखा। मैंने देखा कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यूपीएससी तो बहुत वास्ट है, यूपीएससी का तो कोई सिलेबस ही नहीं है और ये इतना अनप्रडिक्टेबल है, उनको ब्लेम देने के बजाय मैंने सोचा मैं खुद में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं कैसे इसको समझने की ज़्यादा कोशिश कर सकती हूँ, मैं कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को काफ़ी रेफर किया, सिलेबस को अच्छे से समझा, हर एक टॉपिक से किस तरह के सवाल आ रहे हैं वो देखे, टॉपर्स कॉपीज़ काफ़ी रेफ़र करी। इस बार मैंने एसे और एथिक्स में भी बहुत मेहनत करी थी। हाँ, मनोज झा सर हैं जीएस कोर में, उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे कि कैसे आपको थॉट प्रोसेस बदलना है, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है ताकि आपकी अप्रोच सही हो। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते मैंने मेंस दिया। जो मैम आपका ऑप्शनल है उसको कैसे अप्रोच कर? ऑप्शनल मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड तीनों बार मैंने इसकी गाइडेंस शुभ्रा रंजन मैम से ली है, उनका क्रैश कोर्स फॉलो किया है और कोई मेरा सोर्स नहीं रहा है इस ऑप्शनल में। लोग ओपी गोबा पढ़ते हैं, ये बाकी कोई कोई बुक्स पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं रेफ़र करी क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं था बिल्कुल भी। तो एक ऐसे सब्जेक्ट को इतनी डेप्थ में समझना, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक ही सोर्स फॉलो करें और उसको अच्छे से पढ़ें। मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स के नोट्स बनाए थे, जैसे पेपर वन में बहुत सारे थिंकर्स हैं उनके बारे में छोटे नोट्स बनाए थे, एंड उनको बार बार पढ़ के ही मैंने प्रैक्टिस करी। right.
मैम मेंस में जैसे कि करीब 9 पेपर होते हैं और जो टाइम गैप मिलता है वो काफ़ी कम रहता है, उस टाइम पे कैसे मैनेज करते थे आप? आपने क्योंकि 3 टाइम मेंस लिखे. हाँ, वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है ऑनेस्टली. जिसने भी मेंस लिखा है उसी को पता है कि कितना इट टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड एंड बॉडी बोथ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड पहली 2 बार मैंने ऑनेस्टली प्रैक्टिस नहीं करी थी कि मैं बैक टू बैक 3-4 दिन 2-2 एग्ज़ाम्स लिखती रहूं. और पहली बार जाके मैं ऐसे लिख रही थी, मैक्सिमम मैं एक एक एग्ज़ाम लिखती थी एक दिन प्रैक्टिस के लिए. पर तीसरी बार मैंने आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ वेल फॉर व्हाट्स कमिंग. सो बिफोर द पेपर इट सेल्फ देर वर मैनी डेज दैट 3 डेज कंजेकेटिवली मैंने 2-2 पेपर लिखे बैठ के. जिस दिन थोड़ा लेजी फील करती थी तब ऐसे लिख देती थी एक आधा. बट वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस. ओके, जैसे पेपर आप दे रहे थे तो कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है मेंस के टाइम पे, या फिर सारे अटैम्प्ट किए हैं, या फिर कभी कभी ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास टाइम होता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, लास्ट में जब टाइम कम बचता है तो किसी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में लिख के कम्प्लीट कर? नहीं, इस बार ऐसा नहीं किया मैंने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने. एंड आई डोंट थिंक आप अफोर्ड भी कर सकते हैं क्वेश्चन छोड़ के. मेरिट में आना बहुत मुश्किल है. right. क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वेटेज बहुत होती है और अगर आपको उसमें 3-4 मार्क्स भी मिल रहे हैं तो कोई भी लेगा उतने मार्क्स. आई थिंक लास्ट में मेरिट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है. तो यू कांट अफोर्ड टू लीव क्वेश्चंस एट ऑल. बी वेरी केयरफुल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट. और ये चीज़ आंसर राइटिंग स्किल्स से ही आती है. अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप देख चुके हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है एक एक आंसर करने में, तो उस हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करिए एंड पेपर ज़रूर पूरा करके आइए. हाँ, राइट मैम. मैम जनरली स्टूडेंट्स टाइम शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि 6 आवर पढ़ना चाहिए, कोई 15 आवर, तो आप कितने घंटे डेली पढ़ें? मैं कोशिश तो करती थी कि मैं 12 घंटे पढ़ूँ रोज़. हाँ. पर आई डोंट थिंक मैंने कंसिस्टेंटली 12 घंटे रोज़ पढ़ाई करी है. आई थिंक अराउंड 8 घंटे तो हो ही जाता था. 8 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे इस पेपर में, इतना सारा सिलेबस है. बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी. सम पीपल हैव टू स्टडी फॉर 15 आवर्स टू अब्सॉर्ब वॉट एवर यू माइट बी एबल टू अब्सॉर्ब इन 4 आवर्स. बट उस केस में भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं 4 घंटे में पढ़ के निकाल लूँगा. वो चीज़ आपको फीडबैक से ही पता चलेगी. आप प्रैक्टिस करिए, आप पढ़िए, आप आंसर दीजिए, आप देखिए आपके आंसर्स की क्वालिटी क्या है, उसके लिए कितनी और मेहनत लगेगी, उसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए. राइट मैम, रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रिवीजन का क्या साइकिल आपने फॉलो किया? तो एक बार कोई भी चीज़ पढ़ने से वो दिमाग में नहीं रहती है बिल्कुल भी, तो रिवाइज़ करना डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है. एस्पेशली उन चीज़ों को जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गए, कमिटी रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, ये चीज़ें बार बार पढ़ने से ही रिवाइज होती हैं. तो प्रीलिम्स के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया मैंने एक कंपेंडियम टाइप्स बनाया था, वो मैं रेफ़र करती थी बार बार. मेंस के लिए भी मैंने अलग अलग से GS1, GS2, GS3 अलग अलग से उनके लिए कॉपीज़ बनाई थी और उसमें मैं हर टॉपिक के लिए कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखती थी कि कोई कमिटी हो गई, कोई केस स्टडी हो गई, कोई स्टैटिस्टिक्स हो गए, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो गई. ये सारी चीज़ें जो आप आंसर में लिखते हैं तो आपके आंसर का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. तो ऐसे मैंने नोट्स बनाए थे और उसको मैं रेफ़र करती थी. राइट जैसे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या अप्रोच रखी है मेंस एंड प्रीलिम्स? बहुत प्रीलिम्स में तो मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए. आई थिंक 3 अटेम्प्ट में क्यूमुलेटिवली एटलीस्ट 150-200 मैंने मॉक्स लगाए होंगे कम से कम. एंड वो तो मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं लगाए, मैं वो पेपर्स लेके आती थी जो ORN में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं. एंड उसमें मैं प्रैक्टिस करती थी रोज़ एकदम डिसिप्लिन से, सुबह 9 से 11 बजे तक. एंड मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी फॉर आंसर राइटिंग. उसमें क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन इफ़ आप बाकी लोगों को दिखा रहे हैं, अपने मेंटर्स को दिखा रहे हैं, बट एक बार वो डिसिप्लिन आ जाए कि अच्छा टेस्ट की डेट आ रही है और मुझे करना ही करना है और लिखना है, 3 घंटे बैठ के ख़त्म करना है और सबमिट करना है, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो मैम एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉक्स वगैरह जब आप प्रीलिम्स के दे रहे थे कितने मार्क्स आ रहे थे? जब मैंने एकदम स्टार्ट किया था तो मेरे 20 मार्क्स आए थे या शायद 23 शायद से, और मैं काफ़ी हताश हुई थी ये देख के कि इतने कम मार्क्स से तो कुछ नहीं होने वाला. पर धीरे धीरे इम्प्रूव करके, धीरे धीरे अपने आप पे भरोसा करके कि मैं कर सकती हूँ,
आप आई थिंक बाई द एंड ऑफ इट आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 120 इन मॉक्स, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद इस बार क्लियर हो जाएगा. करंट अफेयर्स का क्या सोर्स फॉलो किया आपने? करंट अफेयर्स के लिए मैं दो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. आई वॉज़ फॉलोइंग यूट्यूब वीडियोज़. ये शेखर गुप्ता जी का एक सीरीज़ आता है कट द क्लटर, वो मैं बहुत खुशी से फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छा होता है वो. एक सांसद टीवी का पर्सपेक्टिव करके सीरीज़ आता है, वो काफ़ी अच्छा है, उससे बहुत नॉलेज मिलती है. उसके अलावा मंथली कंपाइलेशंस में पढ़ती थी, कोई भी कोचिंग के आप उठा सकते हैं. मैं विजन का पढ़ती थी मंथली कंपाइलेशन, तो उससे डायनामिक टॉपिक्स जो हैं जैसे कि साइंस एंड टेक या इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है. यही थे मेरे सोर्सेज बस. ओके, अब मैम कुछ शॉर्ट बुक लिस्ट बताइए जो कि हर स्टूडेंट्स अगर फॉलो करें सो दैट कि यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि मिनिमम रिसोर्सेज की हर कोई बात करता है. शॉर्ट बुक लिस्ट तो मेरी तो बहुत ही शॉर्ट थी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने इंटरनेट का बहुत यूज़ किया है अपनी प्रिपरेशन में. कोई भी आप टॉपिक पढ़ना चाहें उसको गूगल में यूपीएससी टैग के साथ सर्च कर ले तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है. बट अगर एक बेसिक बुक लिस्ट बोली जाए तो जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशंट और मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु की स्टेट बुक्स फॉलो करी थी, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के वीडियोस और जो भी नोट्स रहते हैं वो देखे थे मैंने. ज्योग्राफी आई प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटीज और एक रजतनिल मैम के लेक्चर सीरीज़ हैं यूट्यूब पे, वो मैंने देखे थे. उसके अलावा एनवायरमेंट के लिए शंकर और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक थी. एंड यही थे मेरे बेसिक सोर्सेज, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा मैंने ज़्यादा. ओके, सो मैम प्रिपरेशन वगैरह आपने कहाँ से रहकर करी थी? दिल्ली में रहकर गई थी या फिर अपने होम टाउन? नहीं, मैंने थोड़ी महीने के लिए मैं दिल्ली में रही थी, क्योंकि मुझे ऑप्शनल के लिए थोड़ी क्लासेस लगानी थी. बट बिकॉज हम 2020 के बैच थे वो क्लासेस भी बंद हो गई क्योंकि कोविड के लिए सब बंद हो गया. बट प्रिपरेशन मैंने घर से ही करी है सारी. ओके, सो मैम आपको क्या लगता है कि घर से रहकर भी यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है? जनरली लोग सोचते हैं दिल्ली में आना ज़रूरी है, जैसे आप भी आए थे उस टाइम पे. नहीं, इसका जवाब सिर्फ आप खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि सबकी पढ़ने का तरीका अलग होता है. दिल्ली में आने का ये फ़ायदा है कि आप इस इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें सब प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपने कॉम्पिटिशन का पता लगता है. अगर वहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रही है और आप एक सही तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, मेंटोर्स मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें. घर पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, स्टडी मटेरियल भी आना थोड़ा मुश्किल है, नई चीज़ें पता लगती रहती हैं. तो दिल्ली के ये फ़ायदे हैं, पर दिल्ली के नुकसान भी हैं. एंड अगर आपको घर पे रह के अपने कंफर्ट में अपने इंटरनल मोटिवेशन के साथ प्रिपेयर करना है तो मैं नहीं कहूँगी कि ये नहीं हो सकता. राइट मैम, जैसे आप आर्किटेक्चर थे तो इसमें फील्ड में जब जा रहे हो, अब आप ऑफिसर भी बन रहे हो फाइनली, तो क्या काम का सोचा है? इन काम पे मुझे मतलब इन एरियाज़ पे फोकस करना है सो दैट कि इम्प्रूवमेंट हो वहाँ पर. आर्किटेक्चर फील्ड में स्पेसिफिकली तो नहीं, पर डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसमें हम सबको योगदान देना चाहिए. क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे फील्ड्स साथ में मिलके इसको टैकल कर सकते हैं, एंड आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ दोज फील्ड्स. सो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माई फोकस एरियाज. बट उसके अलावा देखते हैं फील्ड में कैसे होता है, क्या मेरे डिमांड्स होंगे, जो भी चाहिए होगा वो मैं करूँगी. ओके, जैसे मैम वहाँ से आप छोड़ के आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन है आपको कि अब ये काम करना है, जैसे कि आपने अभी बताया मुझे. हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं सर्व करना चाहती हूँ अपने देश को, जिस भी कैपेसिटी में वो रिक्वायर्ड है वो मैं करूँगी. ऐसे कोई मेरे स्पेसिफिक गोल्स नहीं है कि ये मैं हासिल करूँगी या ये मुझे खुश करना है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके मैम, जब आप जैसे वो छोड़ा आपने और यहाँ प्रिपरेशन में आए, और आपको पता भी है कि यूपीएससी का भी अनप्रडिक्टेबल है, हालांकि जो आपके टू अटेम्प्ट्स में जबकि नहीं हुआ, तो मैम उस टाइम पर डिमोटिवेशन वगैरह आया होगा कि वही ठीक था, इसमें क्यों आ गए, तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें? डेफिनेटली ऐसी फीलिंग आई थी, बहुत बार ऐसा लगता था कि मैं क्यों छोड़ के आ गई, और स्विट्ज़रलैंड में इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी कंफर्टेबल लाइफ थी, और ये मैं कहाँ घर पे बेरोज़गार बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. पर ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये चीज़ें, इनसे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें रह जाओगे और आप भूल जाओगे कि आपने क्यों ये शुरू किया और आप क्यों ये करना चाहते हो, तो आप अटक जाओगे. इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप समझो आप क्यों कर रहे हो, द वाई ऑफ इट. ये चीज़ सुपरफिशियल नहीं हो सकती कि मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठना है. ये सारी चीज़ें
आपकी उतनी मोटिवेशन नहीं ला पाएंगी कि आप फेलियर से आगे बढ़ो. फेलियर से आगे बढ़ने के लिए आपको एक डीपर मोटिवेशन चाहिए जो आपका एंकर बन के आपको ग्राउंड रखेगी, ग्राउंडेड रखेगी एंड आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. सो मैम, आपने कौन सी पोस्ट के लिए मतलब आपका प्रेफरेंस दिया है? ओके, प्रेफरेंस ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस था. okay. पर इस रैंक के साथ शायद ही मिले. अब देखते हैं सर्विस एलोकेशन में क्या मिलता है. सेकंड प्रेफरेंस मेरा ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, जो कि बहुत ही अच्छी सर्विस है. अगर वो भी मिल जाए तो मैं बहुत फॉर्चुनेट होंगी. सो दैट्स माय सर्विस प्रेफरेंस. सो मैम, लास्ट में कोई फ्यूचर मैसेज, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे आप? फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, UPSC एक टफ जर्नी है तो सबको पता है. But if you have the courage to begin this and if you have the courage to plunge into something जो कि इतना unpredictable है, तो आप में वो भी courage है कि आप इससे आगे बढ़ो. And you have the courage to follow through. So all the best and good luck. Okay, so thank you so much ma'am for your lovely message. Sure. Okay, so friends, आपने देखा कि ma'am ने detail में अपनी journey को share किया, साथ ही साथ preparation के बारे में बताया. So I hope कि आपको video अच्छी लगी होगी. तो इस video को like करें. अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe कर ले. जय हिंद.